हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, यूजी बीए बीएससी बीकॉम बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर और पीजी एमए एमएससी एमकॉम फर्स्ट सेम के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2021 और 22 के लिए। अब आपको स्टूडेंट का न्यू एडमिशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देव ऑनलाइन हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइप कर देना है ई प्रवेश। तो इतना आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक फर्स्ट लिंक आ जाएगी, ई प्रवेश डॉट एम पी ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन। तो आपको इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ई प्रवेश पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर पाएंगे। इस साइट पर विजिट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप यूजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं और पीजी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन आप इस पोस्ट ग्रेजुएट वाले बॉक्स पर से क्लिक करके कर सकते हैं। तो आपको जिस भी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं यूजी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, आवेदकों हेतु यूजी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीयन फॉर्म भरने संबंधी आवश्यक निर्देश। तो आप इनको रीड कर लीजिए पहले, जो भी आपको यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन करने से पहले। इसके बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ पर आपको आई एग्री पे के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट। तो आप 12 अगस्त तक अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप लॉक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लॉक। यहाँ से आप चॉइस फिलिंग की रिसेप्ट निकाल पाएंगे या फिर रजिस्ट्रेशन की रिसेप्ट। यहाँ से आप अपने जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है उनकी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो यहाँ से आप जो है कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फर्स्ट वाली लिंक पर जो है यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल या फिर मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर आपने ट्वेल्थ की परीक्षा उत्तीर्ण की है तब आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर अदर किसी बोर्ड से आपने पास आउट किया तब आपको नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्वेल्थ की डिटेल जो है सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ट्वेल्थ बोर्ड, तो यहाँ पर आपने किस बोर्ड से जो है पास आउट किया है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी मार्कशीट पर आपको इंटर देखने को मिल जाएगा तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्वेल्थ क्लास का जो रोल नंबर है वो आपको इंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है मदर्स नेम इंटर करना होगा, तो जो भी मार्कशीट में मेंशन है वही आपको यहाँ पर इंटर करना है और गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स होगी मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर परीक्षा का समूह, यानी आपका जो भी सब्जेक्ट था ट्वेल्थ में बायोलॉजी ग्रुप से, तो यहाँ पर आ चुके हैं आपके सभी सब्जेक्ट। इसके बाद आपका स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका कन्फर्म नेम आ जाएगा, फादर्स नेम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना यहाँ पर जेंडर चूज़ करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। इसके बाद आपको कन्फर्म करना होगा इस साइड, ठीक है, जेंडर। और यहाँ पर आपको रिलीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, जो भी है जैन, ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता तब आप नॉट नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी एंटर करनी है, अगर आपको समग्र आईडी याद नहीं है तब आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
ठीक है, तो आपके पास अगर आईडी है तो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। इसके बाद आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर इंटर करेंगे, और जहाँ पर भी स्टार नहीं बना है वो मैंडेटरी नहीं है फिल करना। तो इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, और यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी जनरेट होकर आ जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर हम ओटीपी चेक करके इंटर कर देते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो वेरीफाई हो चुका है मोबाइल नंबर, अब आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, देख सकते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड हम क्रिएट कर देंगे। इसका इस साइड आपको जो है पासवर्ड कंफर्म करने के लिए फिल करना होगा। पासवर्ड में आपको कैपिटल वर्ड, ठीक है, स्मॉल कैरेक्टर और नंबर, तीनों चीज़ इंटर करके आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों साइड हमने यहाँ पर सेम पासवर्ड इंटर कर दिया है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है, काउंसलिंग आईडी, इसे आप कॉपी कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसी से आप अपना फीस पेमेंट चॉइस फिलिंग कर पाएंगे लॉगिन करके, तो इसे आप कॉपी ज़रूर कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, इंडियन या अदर या भूटान से हैं आप, तो यहाँ पर हम इंडियन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है। यहाँ पर आपको अपनी सिटी या अपने शहर का नाम एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या अपना जिला चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना होगा, और इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, स्थाई पता यानी कि परमानेंट एड्रेस का, तो आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तब आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, आपका दोनों एड्रेस जो है सेम फिल हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दोनों एड्रेस फिल हो चुका है, आप चाहें तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई अलग से आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा आप इसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेव कर दिया है। इसके बाद देख सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको यस सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अदर स्टेट से आपको नो सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस सिलेक्ट करना है, आप अल्पसंख्यक समूह से आते हैं तब आपको यहाँ पर माइनॉरिटी सिलेक्ट करना है, अदर कैटेगरी की जो स्टूडेंट है वो नॉन माइनॉरिटी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये नो सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी है, यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा कैटेगरी को। इस साइड के आपको आपके आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये 8 लाख से अधिक है तब आपको यहाँ पर यस करना है, अधिक है तो, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऑनलाइन जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो यहाँ पर हम सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर दिया है। इसके बाद आपको अपनी फैमिली इनकम जो भी है वो आपको इंटर कर देनी है अपनी इनकम सर्टिफिकेट से चेक करके। इसके बाद आपको यहाँ पर जम्मू और कश्मीर से अगर आप विस्थापित हैं तब आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो ये नो सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद अगर आपका कोई यहाँ पर दिव्यांग या आप हैंडीकैप पर्सन है तब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, अगर 40% से अधिक है तब, ठीक है, तो इसे हम नो कर देते हैं। अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, किस प्रकार से आपको डिसेबिलिटी है इसलिए, तो इसे हम नो कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना वर्ग सिलेक्ट करना होगा, तो इनमें से आप, ठीक है, सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, या फिर किसी भी स्टेट की सर्विस में हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, हम यहाँ पर नन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ये ऑप्शन, ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पर नो कर देंगे। इसे नो करने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलेगा, आपको कोई जो
विशेष प्रोत्साहन मिला है किसी योजना के अंतर्गत, तो इसे भी हम नो कर देते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो मार्कशीट की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन होकर आ चुकी है, देख सकते हैं ट्वेल्थ की डिटेल। अब आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज जो है कंफर्म करनी है, तो यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए, जो परसेंट आपको इस साइड देखने को मिलेगी वही आपको यहाँ पर इंटर करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज के बाद आपको यहाँ पर 4 डिजिट इंटर करना होता है, ठीक है। तो इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि आपकी 50% होने पर भी आपको इस प्रकार से टाइप करके लिखना होगा। इसके बाद आपको अतिरिक्त अगर किसी विषय की, अगर आपका यहाँ पर कोई अतिरिक्त विषय या एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट था तब आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर साइज दी है, मैक्सिमम आप 150 KB में यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे चूज फाइल पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है और हमारा ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर साइज दी हुई है, किस साइज में आपको अपलोड करना है और कितनी DPI में आपको अपलोड करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करके अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर कट करके आपको अपलोड करना है। आपको दोनों स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपके पास कोई कोर्ट या न्यायालय में कोई कार्रवाई चल रही, तो आप इसे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, किसी पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ मामला दर्ज है, तो इसे भी हम नो करेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम फाइल साइज 150 KB में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट, इसके बाद यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपका अदर जो भी सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे होंगे। और यहाँ पर आपको 92 DPI से जो है अधिक साइज में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और 150 से अधिक साइज नहीं होनी चाहिए और 75 KB से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर फ़ोटो का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी साइज मेंटेन करनी है। तो अब आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपकी फ़ाइल आ जाएगी सिलेक्ट होकर। इसके बाद आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर ये मार्कशीट आ चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है यहाँ पर सिलेक्ट करके, तो इसे भी हम कर देते हैं यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट। तो यहाँ पर हमने सेकंड मार्कशीट जो 12th की है वो चूज़ कर ली है और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी जो देख सकते हैं सेकेंड मार्कशीट भी अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपनी सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेनी है सिलेक्ट करके। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आपको ये मार्कशीट क्लियर दिख रही है साफ स्पष्ट, तो आपको यहाँ पर चेक मार्क कर देना है। इस तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट पर जो है चेक मार्क कर देना है और आपको लास्ट में आ जाना है। इसके बाद आपको लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से जो है सबमिट हो जाएगा फॉर्म और आपका यहाँ पर आ चुका है नॉट वेरीफाई। अब आपको अपने देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपको दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर द्वारा दस्तावेजों का ई सत्यापन किया जाएगा। तो अभी आपका ये नॉट वेरीफाई आ रहा है, अगर नॉट वेरीफाई आता है तो आपको कॉलेज जाकर सत्यापन कराना होगा, अगर वेरीफाई आता है तब आपको सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ चुकी है, देख सकते हैं जो आपने फॉर्म फिलअप किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको भुगतान नहीं है का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो अब आपको इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क पे करना होगा, इसके बाद ही आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट होगा।
या आप चाहें तो इसे बाद में भी जो है पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है जो हमने यहाँ पर फिल किया था। लास्ट में आप स्क्रॉल करके पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं जो आपने अपलोड किए हैं, ठीक है। तो ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइड में, आप देख सकते हैं आपको ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं 8th जो है यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में आपको प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, आपको लॉक करना होगा अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो इस पर आपको क्लिक करना है लॉक करने के लिए। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा और आपको लास्ट में स्क्रॉल करके आ जाना है। तो इसे हम लास्ट में स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में आपको मिलेगा प्रोसीड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फीस के ऑप्शन पर। इसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट, तो जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑल मेजर बैंक यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, ठीक है, इसे आप ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन शुल्क आ चुका है, ₹150 आपको रजिस्ट्रेशन का पे करना होगा, ठीक है, एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, अपनी कार्ड डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे एंड मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, आपको वेरीफाई करना है और अपना पेमेंट सक्सेस करना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना यहाँ पर जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब बात करते हैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो पहले आपको पेमेंट कंप्लीट करने के बाद अपना प्रिंट निकाल लेना है। इसके बाद आपको आना है ePrivacy पोर्टल पर, ठीक है। इस साइट का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको अपनी जो एप्लीकेशन आईडी आपको प्राप्त हुई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड शो कर रहा है 5+2, ये आपको टोटल करके यहाँ पर एंटर कर देना है 7। और इस प्रकार से आप व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल ओपन हो जाएगी और आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको कोर्सेज और कॉलेज कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोर्सेज या कॉलेज कोड आपको जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपको कोर्सेज वाले ऑप्शन पर। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कॉलेज लेवल सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर आपको फैसल्टी सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको साइंस से BSc करना है या अदर आपको आर्ट में BA करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस कैप्चा कोड को टोटल करके फिल करेंगे और व्यू लिस्ट ऑफ कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं ये सामने आपके पूरी कोर्सेज की डिटेल आ चुकी है, ये कोर्स कोड आपके सामने आ चुके हैं UG कोर्सेज के लिए। तो इनमें से आप कोई भी जो है यहाँ पर कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको कॉलेज चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इसी प्रकार से आप यहां से अपना कॉलेज और कोर्स कोड दोनों जान सकते हैं। तो यही था फ्रेंड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर अपने दोस्तों में। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।